मैं आज सबसे पहले दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहूंगी, मुबारकबाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली की जनता जो फैसला लेगी वो फैसला पूरी अफसरशाही को, पूरी सरकार पर बाध्य है। तो आज सबसे बड़ी जीत दिल्ली की जनता की हुई है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में फैसला लिया। 2015 में दिल्ली की जनता ने अपना भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया, एक तरफा भरोसा अरविंद केजरीवाल जी पे दिखाया। 70 में से 67 सीट उन्होंने आम आदमी पार्टी को दी, अरविंद केजरीवाल जी को दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह सहन नहीं होता है कि कोई दूसरी पार्टी जीत जाए और उनकी पार्टी हार जाए। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती है, असंवैधानिक तरीके से सरकार को हड़पने की कोशिश की जाती है, चाहे वो ऑपरेशन लोटस हो, विधायकों की खरीद फरोख्त हो। आम आदमी पार्टी के जब विधायक नहीं खरीद पाए, सरकार नहीं तोड़ पाए, तो असंवैधानिक तरीकों से सरकार में ताकत हड़पने की कोशिश करी। और आज 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्पष्ट फैसला दिया है कि जिनको जनता चुन के भेजती है उनके फैसले ही दिल्ली में मान्य होंगे। तो जब जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजा है, तो अरविंद केजरीवाल जी निर्णय लेंगे, दिल्ली की जनता के बिहाफ पर निर्णय लेंगे। तो आज मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहती हूँ, और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ दिल्ली की जनता की तरफ।